अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने लगी अंडे के चॉप्स। तो यहाँ देखो, मम्मा ने बटाटे बॉईल करके रखी थी। तो मम्मा यहाँ एक बटाटे लेको, तुमने उसका प्रोसीजर दिखाने लगे। तो तुमने पहला बटाटे को मैश करना, उसके बाद में जो है तुमने करना गाइस हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर गाइस। अगर तुम ये सब काम नहीं करे तो ये काम तुम पहले करो। तो यहाँ देखो, हमारा बटाटा भी जो है वो मैश हुआ। अभी वो मैश वाले बटाटे में जो है तुमने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर गाइस, और तुम्हारा टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालना। तो गाइस यहाँ देखो, अभी मम्मा इसमें डालना रही जो है ब्लैक पेपर पाउडर अपने हिसाब से, और यहाँ देखो नमक डालने लगे मम्मा इसमें। और उसके बाद में इसमें तुम्हें अच्छा मिक्स साइड में रखो। और उसके बाद में देखो गाइस, हम यहाँ अंडे बॉयल करके लें। तो एक अंडे का हमें चार टुकड़े करी, और बन में जो हमें मैश करे थे जो पटाटे को मिक्स, वो हमें पटाटो लेना। तो मम्मा ने जो है पहले अपने हाथ में जो है ना ऑयल लगाई, उसके बाद में मम्मा ने इसे यहाँ ऐसा फोल्ड करी। तो तुम्हें ये भी प्रोसेस अच्छे से करना गाइस, धीरे धीरे पेशेंस के साथ में करना, नहीं तो तुम्हारे जो चॉप्स रहेंगे वो फूटेंगे। तो तुमने अगर डबल कोटिंग करना तो तुम्हें डबल कोटिंग कर सकती है, हमने टाइम कम आता बल्कि हम एक कोटिंग करें। जैसे कि अंडे में हम पहले डुबाए, उसके बाद ब्रेड क्रम में डाले एंड देन गया इन्हीं फ्राई होनी। तो देखो अब यहाँ रेडी है हमारे पूरे चॉप्स तलने के लोग को। और गाइस चॉप्स तलने के बाद में देखो इसका रूप कैसा दिखता है, कितना यम्मी है गाइस, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, मज़ेदार लगते हैं गाइस। तो अगर तुमने हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।